हेलो एवरीबॉडी हाउ आर यू ऑल आई होप ईच वन ऑफ इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़ सो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आरबी असिस्टेंट का लाइव मॉक टेस्ट एंड दूसरा है आर आर बी प्यो मीनस का जो कि आप लोग काफ़ी डिमांड करते रहते हो ठीक है वो मैंने आज ही दिया है एंड आर आर बी असिस्टेंट का मैंने कल ही दे दिया था जब लाइव हुआ था ठीक है तो पहले सबसे मैं वही शेयर करती हूँ एंड इस बार मैंने आप लोगों के साथ इसे इन्फॉर्म नहीं किया था तो सॉरी फॉर दैट एंड आई नो बहुत से लोगों ने ऐसा अटम्प भी किया होगा कुछ प्रोफेसर्स होंगे जिन्हें नहीं अब इन चीज़ों के बारे में पता रहता है तो उन्होंने ही नहीं किया हो भले ही बाकी सब ने किया होगा आई नो तो आप लोग भी शेयर जरूर करना कि कितने मार्क्स आपके रहे सेक्शनल ठीक है मेरा तो इतना अच्छा नहीं गया जैसे कि आप देख सकते हो ठीक है तो इंग्लिश में तो ठीक रहा है फुल मार्क्स होते तो और अच्छा लगता है क्योंकि एक ही क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है एंड टाइम भी कम लगा क्योंकि बहुत इजी था ठीक है सारे क्वेश्चंस मुझे बहुत इजी लगे लेबल बहुत इजी था एंड दूसरा है कॉन्ट रीजनिंग की बात करें तो ठीक ही गया मैंने आ, मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि मैंने ठीक से नहीं दिया जैसे कि रीजनिंग की बात आप सभी को पता है रीजनिंग मैंने हमेशा फुल अटैम रहते हैं चाहे वो मैं इसकी बात करूँ और आज बीज में भी मेरे फोटी आउट ऑफ फोर्टी मोस्टली रहते हैं मार्क्स इसमें भी थर्टी रहते हैं ठीक है बट इसमें मैंने इस बार अच्छे से नहीं दिया और सबसे खराब परसेंटाइज उसी में रहा है सिक्सटी ठीक है तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है बाकी ठीक है एंड मैं जानती हूँ कि अभी मैं पूरा एक होता नहीं कि मैं प्रेडिम्स की डेली प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ और जिस दिन मैं प्रेडिम्स के फ्लो में आऊँगी डेली टेस्ट में मेरी स्पीड ठीक हो जाएगी इम्प्रूव हो जाएगी तो मैं इसलिए इतना सीरियसली नहीं ले रही हूँ कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी टेस्ट में एंड वैसे भी मैं जब भी एग्जाम लाइन अप होते हैं जब भी एग्जाम आने वाले होते हैं तो मैं डेली वैसे भी एक दिन में दो तीन टेस्ट आर आर की बात करें तो एक दिन में चार भी टेस्ट हो जाते हैं मेरे ठीक है क्योंकि प्रेडिम्स के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते कभी कभी ऐसा भी होता है हमें लगता है कि पेपर का लेवल लेवल ईजी रहेगा या क्वालिफाई हो जाएगा क्योंकि कितने सालों से होता है बट कभी कभी चीज़ें अपोजिट चली जाती हैं तो किसी चीज़ को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए कि हमारा प्रेलिम्स बहुत अच्छा है हमारा मीन्स बहुत अच्छा है सब चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहिए तो जब प्रिलिम्स होगा तो प्रेलिम्स पर ध्यान दिया जाएगा बहुत अच्छे से जिसमें हमें कोई आ, उसमें डाउट ना रहे कि हाँ होगा या नहीं होगा तो अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ उतना प्रॉपर वे से तो उसके हिसाब से ठीक है कोई बात नहीं आई नो आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे रहे होंगे इसमें ठीक है तो आप लोग शेयर जरूर करना सेक्शनल अपना ठीक है और दूसरा मैंने दिया था अभी पी ओ का मीन्स ये तो मैंने आपके साथ शेयर ही किया था पहला वाला ठीक है और दूसरा मैंने ये फाइव आज ही दिया है ठीक है अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि फर्स्ट से अचानक से जम किया गया है फ़ाइव पे ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है जो भी स्कोर मैं देती थी मेरा मेंस लगा हुआ था तो मुझे अच्छे से याद है कि इस सब मैं लिखे रखती थी कि इस मॉक में कितना स्कोर आने क्या रहता था तो मुझे याद था ये जो है फिफ्थ मॉक में मेरे सबसे कम मार्क्स आते बाकी तो सब में सिक्सटीज़ में थे सॉरी सेवेंटीज़ में थे एट्टीज़ में नाइन्टीज़ में थे सबसे कम जो मार्क्स आए थे इसमें ही आए थे इस, इस वजह से ठीक है मुझे याद था और इसी वजह से मैंने दिया मैंने इसमें जिए नहीं अटैम्प किए तो बस इतना ही किया मैंने रीजनिंग सेक्शन में सिक्स क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए हैं इसमें मैंने इस बार लॉजिकल क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए हैं तो इस वजह से रॉन्ग हो गए वही कोर्स ऑफ एक्शन वाले या जम्पन वाले दो तीन मैंने उसमें किया इस वजह से मुझे लग रहा है वही रॉन्ग हुए हैं और दूसरा कंप्यूटर हो गया और इंग्लिश सेक्शन हो गया बाकी ठीक है टाइम की जो बात करें तो मुझे लग रहा है रीजनिंग में अगेन मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है एंड थोड़ा सा क्वांट में कम दिया है और कंप्यूटर में दो तीन मिनट ज़्यादा हो गए हैं तो ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि हमें आ, अगर मैं टाइम नहीं भी दे रही हूँ जी सेक्शन को तो मुझे उस चीज़ को मैनेज करके वो चलना है यानी कि दस मिनट मुझे लेफ़्ट ही करना है ये मॉक जो मैंने पूरा प्रॉपर टाइम दिया मुझे प्रॉपर टाइम ना दे करके मुझे दस मिनट अपना टाइम हटा देना चाहिए जीए के लिए ठीक है वो चीज़ मुझे सीखनी है ठीक है टाइम मैनेजमेंट वही मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ तो वही चीज़ मुझे थोड़ा दिक्कत कर रही है अभी बाकी ठीक है चीज़ें तो आप लोग बताना अगर आप लोगों ने दिया हो आप लोग बस जिन लोगों के पास हो ये दो का ही मॉक है ठीक है एंड uh, ठीक है जिन्होंने परचेस किया हो नहीं है आपके पास वाली बोर्ड तो आप परचेस कर सकते हो ठीक है और परचेज़ कीजिएगा तो मेरा कोड वी एस टेन जरूर यूज़ कर लीजिएगा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा टेन परसेंट का ओके बाकी मैं जो भी मॉक टेस्ट देती रहूँगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना अगर आपने दिया है दोनों में से कोई भी मॉक ठीक है ओके थैंक यू बेडी एंड गुड नाइट